फिश बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग फिश इतना नहीं खाते और बाल उम्र से पहले ही सफेद हो जाते हैं। दिखाते हैं ग्रोसरी अपनी फ्री में समझने मिल गया है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम आपको लेके कहीं जा रहे हैं जर्मनी के एक छोटे से स्मॉल टाउन में। टाउन है बड़ा प्यारा सा, थोड़ा सा मार्क बना हुआ है यहाँ पे, ऐसी मार्केट सी बनी होती है, सर्कल सा होता है। यूरोप में हर जगह ऐसा है, इटली वगैरह में भी, स्पेन में भी, वहाँ पे साथ साथ शॉप्स होती है। सामने देखिए शॉप्स हैं सारी। भूख लग रही थी और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि मैं आज का इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो मेरा टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। तो मैं अपने लिए सैंडविच बना के लाई थी और हम लोगों को चाय वाय का भी बंदोबस्त है। आज हम लोग ज़रा खुली फिजा में ना टी पार्टी कर रहे हैं, इसमें चाय आई होप गर्म होगी। मेरा सैंडविच है इसके अंदर और मेरे बीन्स नट जो भी होते हैं मैं इसमें डालती हूँ, और ये सैंडविच है मेरा। बिस्मिल्लाह करके खाते हैं फिर हम गर्म चाय। और ये देखे पिए मैंने, खा लिया। मैं जाती हूँ अंदर, उन्होंने कहा आप जाएँ क्योंकि औरतें हैं ना तो बड़ी टाइम लगाती हैं शॉपिंग करते हुए, तो ये अपनी चाय और बिस्किट इन्जॉय करते हैं और हम लोग शॉपिंग इन्जॉय करते हैं। चलते हैं अंदर। मेरे हस्बैंड की आज ऑफ होती है तो मैंने कहा चलो, हाँ और मेरी भी क्लास नहीं होती फ्राइडे को, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम चलते हैं। और ये बहुत प्यारे से प्यारे प्यारे स्मॉल टाउन्स हैं हमारे आसपास क्योंकि माउंटेन्स हैं करीब, तो बहुत ही प्यारे हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी 7 यूरो से लगाई हुई थी, पर सब यहाँ 15 यूरो की थी और अभी काफ़ी मोटी थी मुझे, फिर मैंने कहा नहीं लेती, फिर मैंने कहा बाहर चलते हैं। चाइना के हमारे यहाँ ना जूते कितने के मिलते हैं, 200 के या 14 यूरो के हैं। देखें ये 14 यूरो का है। हस्बैंड का काम भी हो गया, मैंने घूम भी दिया, तो फिर हमने कहा अरबिक शॉप और ये जो टर्की शॉप होते हैं जी, यहाँ पे चीज़ें हलाल मिलती हैं, और पाकिस्तानी शॉप में भी देख के लिया करें। जो अब मैं आप आगे चल के बताऊँगी क्या चीज़ें आप लोगों को देख के लेनी चाहिए। तो जी रमज़ान की तैयारी थी तो मैंने कहा जरा फ्रोज़न आइटम भी ले लेते हैं, तो हस्बैंड अपनी पे कर रहे थे बिल, तो मैंने जाते जाते ये देखी चीज़ें अच्छी लग रही थी मुझे, पर हम लोग ने घर जल्दी पहुँचना था बच्चों को। आजकल मेरे बच्चों की छुट्टी है तो उसको हॉट जाना होता है, तो फिर उसका टाइम जो है ना 1:30 का है, तो हमने कहा चलो जल्दी वाइंड अप करते हैं। तो हमने चीज़ें ले ली थी, हम लोग फिर अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे और घर पहुँच। ये सब चीज़ें लेके आए हैं, बस दिखाते हैं ग्रॉसरी अपनी जो इंस्टेंट होती है। महीना और रमज़ान भी आ रहे हैं तो हमने सोचा चीज़ें लेते हैं, ट्राई करते हैं इनकी कोई न्यू ब्रांड। तो ये सब चीज़ें मैं अभी दिखाती हूँ आपको। चीज़ें मैं लेके आई थी ये वाली, आज कल टैडी पे ना हमारी बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है। जो बस लास्ट ईयर का पिछले साल का सामान होता है ना, पहले वो कम पे लाते हैं 50-70, फिर इतना सस्ता कर देते हैं कि बस आप खुश हो जाएं। खैर ये तो मैंने रोजमैन से लिया है मेरा फ्लॉस, ये मेरे बेटे को स्कूल में जब किंडरगार्टन में थे ना बच्चे, तो बच्चों को ये लाजमी खाने के बाद वहाँ पे पेश करवाते, तो ये अच्छा सा टाइम के लिए लगाया हुआ था पुराने ज़माने में जैसे होता है। मैंने कहा ये ले लेते हैं, बड़ा बच्चे मोटिवेट ऐसे होते हैं, इस तरह की ऐसी चीज़ें बच्चों को हाइजीन के बारे में लाजमी सिखाएं। और ये मेरी बेटी की इतनी दफ़ा हम लाएँ और ये टूट जाती थी। और देखें टेडी पे आजकल बहुत अच्छी हमारे यहाँ से लगी, 2 यूरो की थी और ये 20 सेंट्स की मुझे मिली है। तो बस ऐसी चीज़ें होती हैं, ये भी मैंने लेना था, ये भी अच्छा प्राइस पे मिला है ये बेटे के लिए, ये भी मैंने लिया। गर्मी में ना अक्सर धूप की वजह से ना धूप होती है तो मुँह ख़राब हो जाता है, ये बेटे के लिए लिया है। ये वेस्ट जो होता है ना ये बैग है, ये बेटी के लिए एक और बैग ले लिया भाई। ये बताए पहले ये यहाँ पे ना 8 यूरो का था और देखें 20 सेंट्स का मिला है, मतलब फ्री में समझने मिल गया है शॉपिंग पर। दीजिए चिकन टेंडर्स नहीं है, नगेट्स तो लेती हूँ तो मैंने कहा इस बार ट्राई करते हैं। और ये फ़िश यहाँ पे हम लोग फ़िश लेते हैं ना, जो फिंगर फिश होती है, तो मुझे आज फ़िश का सालन बनाना है, पूरा व्लॉग आपने देखना है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम फ़िश का सालन बना रही हूँ, पहले शायद मैंने बनाया था पर इस वाली फ़िश का नहीं बनाया था। ये सही अच्छी बेरों वाली फ़िश मिली है, बेरे देखिए इनकी हम कहते हैं ना बड़े बड़े स्लाइसिस हैं। और एक और फ्रोज़न चीज़ हमने ली है, ये तो मैं लेती हूँ क्योंकि ये बर्गर पेटीज क्रिस्पी, जब आपको KFC खाना हो यहाँ पर हलाल नहीं मिलता तो मैं बच्चों को ये बना के दे देती हूँ, और अच्छा होता है वीकेंड पे आप उनको कोई ट्रीट दे दो। और ये रोटी नान मुझे मिल गए तो मैंने नान ले लिए, मैंने कहा मछली बना रहे हैं जब आप खाते हो ना निहारी वहारी तो अच्छा लगता है। घर में मैं बनाती हूँ पर मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं वीकेंड पे आप इतना थक जाती हैं कोई ना आप ये ले लें। ये सिरका लेना है क्योंकि यहाँ पर ना ये अरबिक शॉप से हम लेते हैं,
ये इसमें ना कोई वो नहीं मिली होती कोई, यहाँ वैसे यहाँ पे अगर आप जर्मनी में सिरका लेते हैं ना तो वाइट वाइन मिली हुई होती है और टमाटो कैचअप में, तो हम लोग ना अरेबिक शॉप से लेते हैं, ये टर्किश या अरेबिक ब्रांड होता है उसका लेते हैं हम लोग। और ये चिकन नूडल्स भी हम उन्हीं के उनसे लेते हैं क्योंकि भी हलाल है, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो वो हलाल नहीं होती क्योंकि फ्लेवर अब चिकन का आ जाए तो सही नहीं होता। बाद लोग मैं नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि मुझे पता है मैं इससे जुटाटन जो होते हैं ना डुच डुच में कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, जुटाटन देख लेती हूँ। ये अरबी जो टर्की शॉप है पाकिस्तानी शॉप है चीज़ें यहाँ से सोया सॉस सिरका मेयोनीज केचप लिया करें क्योंकि हम लोग जो बड़े स्टोर्स पे यहाँ से लेते हैं वो हलाल नहीं होती, उसमें अल्कोहल होता है वाइट वाइन होती है, तो आप ये चीज़ें हमारे लिए हलाल नहीं है, ये भी हराम है हमारे लिए, लाजमी नहीं कि आप श्वाइन फ्लाइश ही कहें पर ये चीज़ें भी आप देख के खाएं। हम समझते हैं इसमें क्या होगा, मीठा ही तो है पर इसमें अल्कोहल भी तो हराम है ना। तो जी अगर मछली में से थोड़ी स्मेल आती है तो सिरका और नमक लगा के पहले रख लें, और फिर हम लोग ये पतीला निकाल दिया मैंने, इसमें हम लोग प्याज लाल करेंगे और कोरमे की तरह जैसे होता है ना मसाला वैसे प्याज को ब्लेंड करना है, दही और टमाटो पेस्ट भी डालूंगी मसाले में, और फिर डालते तो टमाटो पेस्ट बहुत अच्छा होता है, बायो का बिल्कुल पता नहीं चलता कि टिन अगर वाला लेते तो उसमें जायका आता है इसमें नहीं आता। और बस बात करके बर्तन धोते हैं, तो जी बर्तन धोते हुए ना अपनी मेट को बहुत मिस करती हूँ, आप लोग उनका बहुत ख्याल रखा करें, पाकिस्तान की तो अलग ही बात है क्या ऐश होती है वहाँ तो। होने वाले हल्के आंच कर देते हैं। मैंने सिरका और नमक लगाने के बाद फिश को धो लिया था, फिर मैं इस पे लहसुन अदरक का पेस्ट लगा रही हूँ, थोड़ी सी फिश को फ्राई करके डालेंगे ताकि इसकी और भी स्मेल वो ना आए, और सालन अलग से जब बनाएंगे ना बहुत अच्छा सा टेस्ट। सालन के लिए मसाला बनाते हैं, टमाटो पेस्ट लिया है, दही लिया और जो प्याज फ्राई किए थे वो डालने हैं, और इनको जैसे कोरमे का तरह का पेस्ट होता है वो बना लेना है। ओके तो जी अब बारी है फिश को फ्राई करते हैं, और इसी मैंने फिश ऑयल रखा होता है तो फिर मैंने कहा हल्के से बिल्कुल शेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, वो बस मुझे एक है कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे कोई स्मेल ना है, मुझे नहीं है, तो मैंने कहा मेरी अम्मी बड़ा ख्याल करती थी इस चीज़ का, जर्मनी में ना आप बिल्कुल देख के खाएं। अब हम लोग जो पेस्ट्री भी खा रहे होते हैं हमें नहीं पता है कौन सा फैट यूज़ किया हुआ है, तो एक तो यहाँ फ्रोजन में आप जाते हैं पुडिंग होती है उसमें भी देखें क्योंकि पुडिंग में आपको पता है जेलेटिन डालते हैं और जेली में, तो देख के क्या है सोर्स क्या है उसकी ना, बहुत इतिहास से इसको पलटना है क्योंकि ना मुझे अपनी अम्मी खाला और अपनी सास याद आ गई क्योंकि ये लोग ही इनकी जो हाथ की फिश है ना क्या ही बात थी। बात करूँ जर्मनी में खाने पीने की चीज़ों के बारे में तो जी स्टोर में भी आप देखें आपको इतनी डिच आनी चाहिए कि आप उनको ग्रिन फ्लाइश हनर एक होता है हेंशन फ्लाइश होता है, चिकन पाउडर भी डालते हैं काफ़ी चीज़ों में, और जैसे चिप्स वगैरह होती है, और आपको श्वाइन फ्लाइश का तो पता होना चाहिए, बच्चों को भी बताएं क्योंकि बच्चों के स्कूल में कुछ ना कुछ पार्टीज होती रहती हैं बर्थडे, तो आपके बच्चों को पता होना चाहिए, आपके टीचर्स को बताएं। मेरी बेटी किंडरगार्टन जाती है, किंडरगार्टन में ये कि आपको वहीं पे खाना देना होता है पे करना होता है घर से नहीं, तो मैंने अपनी बेटी को फिर भी बताया हुआ छोटी है समझाया हुआ, और टीचर से भी बार बार पूछती हूँ, हमारा फ़र्ज है उनको बताना, तो देख के खाएं फिर आपको कैसी लगी फिश बताएगा, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।